आज हम गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स के बारे में देखेंगे, इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 19.02 है, एक शेयर्स की प्राइस। और फाइनेंशियल्स में जाके चेक कर लेते हैं इसकी। ईपीएस जो है 2022 में 14.37 रुपये है, 2022 कदरे बेहतर है 2021 से। 2021 में 7.83 रुपये जो थी इसकी ईपीएस थी, अर्निंग पर शेयर। 2022 में बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कोविड की वजह से जो है इनकी माइनस में है, समझ लें। और कोई ख़ास नहीं है, 0.93 है। 2019 में 8.44 थी। तो ये इसकी ईपीएस है, सेल्स है। अब हम जाके चेक करते हैं कि पेआउट्स में, तो गुल अहमद 2022 की अगर आप रिपोर्ट देखें, 2022 से लेके और आज तक क्या इन्होंने डिविडेंड दिया है, क्या बोनस शेयर वगैरह दिए हैं, तो ये मैंने आपको 2022 से बता रहा हूँ मैं। और 2022 में अगर आपने 1,000 शेयर्स लिए होते 28 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 28,300 रुपये, जो कि 2023 के अंदर आपकी वेल्थ जो बन रही है वो बन रही है। यहाँ पर आप चेक करते जो डिविडेंड पेड किया है वो 64,000 का पेड किया है पूरे 21 साल में। और बोनस शेयर जो हैं 6,698 रुपये शेयर जो है वो बोनस के तौर पे दिए हैं। करंट प्राइस जो है वो अभी आपको बताई थी 19.02 रुपीज़ है, और टोटल शेयर 7,698 बनते हैं, तो टोटल वैल्यू बनती है 2,10,000 रुपये। तो 10% का ग्रो जो चेंज आया है इसमें, 10% ग्रो पर एयर का जो है चेंज आया है। तो गुल अहमद आइडियाज़ के नाम से बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन अभी जो है सेल इसकी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।